Yeah. श्वराय शे शेश्वराय शम्भो Please. नमस्कारम, आप जहां कहीं भी हैं जैसा कि आप सभी को पहले ही पता होना चाहिए कि भारत में ऐसे लोगों की संख्या जो इन्फेस्टेड हैं माफ कीजिए इन्फेक्टेड हैं वो ज्यादातर नियंत्रण में रही है हमारे पास जितनी आबादी है उसे देखते हुए 735 ज्यादा बुरी संख्या नहीं है लेकिन इस संख्या में शायद थोड़ी कमी है क्योंकि पक्के मामले का मतलब है कि वे जांच कराने गए थे लगभग एक हफ्ते पहले तो केस पक्का होने में छह से सात दिन लगते हैं तो संख्या उससे थोड़ी ज्यादा हो सकती है लेकिन कई दूसरे देशों के मुकाबले यह काफी हद तक नियंत्रण में है मेरे ख्याल से हमने लॉकडाउन ठीक समय पर किया इसके बड़े पैमाने पर आबादी में फैलने से पहले अभी भी जहां भी ये पक्के मामले हैं हम ये पता लगा पाए कि वे कहां से आए थे उनमें से ज्यादातर लोग विदेशों से सफर करके लौटे थे लेकिन कई दूसरे देशों में दुर्भाग्य से ये काबू के बाहर जा रहा है यहां तक कि यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री को भी कोरोना वायरस का इन्फेक्शन कंफर्म हो गया है प्रिंस चार्ल्स को भी ये इन्फेक्शन है तो ये पूरे द्वीप में फैल रहा है न्यूयॉर्क शहर में दस हजार से ज्यादा लोग इन्फेक्टेड हैं तो अमेरिका में मेरे विचार से वहां आंशिक लॉकडाउन है उनके पास बड़ी जगह होने का फायदा है जो शायद यूके के पास ना हो स्पेन में 2300 से ज्यादा मौतें हुई हैं इटली में अभी भी वही चल रहा है तो परिस्थिति ऐसी ही है लेकिन हम ये भी जानते हैं कि बहुत से लोग ठीक हो जाएंगे लेकिन समस्या ये होगी कि किसी समाज या देश में अगर बहुत ज्यादा लोग इन्फेक्टेड हो जाते हैं तो किसी भी देश के लिए उनके लिए ज़रूरी मेडिकल सहायता की व्यवस्था करना असंभव होगा उस वक्त लोग बड़ी संख्या में मरने लगेंगे तो इस लॉकडाउन के जरिए हम यही रोकने की कोशिश कर रहे हैं और भारत में रणनीतियां हैं कि अगर वे राज्य के भीतर इसे रिलैक्स कर देते हैं तो भी राज्यों के बीच लॉकडाउन ज्यादा लंबे समय तक चलेगा शायद इसलिए क्योंकि वे अभी चल रही इन्फेक्शन की चेन को तोड़ना चाहते हैं अगर किसी शहर में लोगों की एक बड़ी संख्या इन्फेक्टेड है तो उसके बाद इसे दूसरों को छूने से रोकना बहुत मुश्किल है कुछ दुखद घटनाएं हुई हैं जहां कल अटलांटा में एक स्वास्थ्यकर्मी मेरे ख्याल से एक बयालीस साल की महिला वो अस्पताल में काम कर रही थी और वो घर गई और वो मर गई उनके पास चार साल का बच्चा था कोई दूसरा घर में नहीं था और वो बस कोरोना से मर गई तो इस तरह की दुखद कहानियाँ आ रही हैं तो मैं चाहता हूं कि हर कोई आप में से हर कोई जिस भी तरह से आप दूसरों को बता सकें ये पक्का कीजिए कि हर कोई शारीरिक दूरी बनाकर रखता है और आपको समस्या का कारण नहीं होना चाहिए इस बात का आपको ख्याल रखना है तो आप में से वो लोग जो हमेशा थोड़े से आलसी हैं कि आपने हमेशा काम पर जाने को कोसा है आप में से वो लोग जो थैंक गॉड इट्स फ्राइडे किस्म के लोग हैं ये आपका समय है मजे कीजिए कम से कम तीन हफ्तों या चार हफ्तों के लिए या ये जितने दिन भी चले बड़े पैमाने पर आर्थिक पैकेज दिए जा रहे हैं अमेरिका और भारत दोनों में हर चीज पर जोर लगाया जा रहा है ये लगभग ऐसा ही है कि हम तीन महीने तक नहीं जिए और हम फिर वापस आएंगे ये गुलीवर के अनुभवों जैसा है लेकिन सिर्फ तीन महीनों के लिए तो सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि लोग डरे नहीं और बेवकूफी भरी चीजें ना करने लगें लोग डरकर सड़कों पर भागना ना शुरू कर दें यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप सभी अपना शारीरिक और मानसिक संतुलन कायम रखें यह एक अच्छा समय है खुद को ठीक करने का जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं पिछले तीन दशकों या लगभग चार दशकों में कभी भी या मेरे पूरे जीवन में मुझे कभी भी तीन हफ्ते नहीं मिले जहां मैं खुद के साथ कुछ कर सकूं ऐसा कभी नहीं हुआ तो यहां मैं हूं तो मैं चाहता हूं कि आप भी इसका सबसे अच्छे तरीके से उपयोग करें तीन हफ्ते काफी ज्यादा समय है अगर हम तीन हफ्तों में पर्याप्त प्रयास करें तो हम शारीरिक रूप से ज्यादा मजबूत और फिट मानसिक रूप से ज्यादा स्थिर और अधिक क्षमतावान भी बन सकते हैं ऊर्जा के स्तर पर और आध्यात्मिक स्तर पर हम कई कई चीजें कर सकते हैं तीन हफ्तों के फुल टाइम काम के जरिए आप में से कई लोगों ने कार्यक्रमों में हिस्सा लिया है और देखा है कि दो दिनों या चार दिनों के कार्यक्रम में जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आया है तीन दिनों का भाव स्पंदन जीवन उलट पलट हो गया तो अपनी चीज करने का यह आपका समय है यानी वास्तव में आप एक ऐसा जीवन बने जो ऊंची उड़ान भरे हां आइए हम अपने रास्ते में आने वाली हर चीज के बारे में शिकायत ना करें वायरस अपना काम कर रहा है हमें अपना काम करना चाहिए यही महत्वपूर्ण है हम वायरस का काम ना करें हम अपना करें अगर आप वायरस को खुद से दूसरे इंसान तक ले जाते हैं या किसी दूसरे इंसान से खुद में और खुद से किसी और में ले जाते हैं तो आप वायरस का काम कर रहे हैं आप वायरस की पार्टी के हैं अगर आप वायरस के साथ सहयोग नहीं करते तो इसका मतलब है कि आप वो कर रहे हैं जो आप करना चाहते हैं यही समय है यह छुट्टी दी गई है हालांकि ये हमें कई स्तरों पर आर्थिक रूप से पीछे ले जाएगी लोगों परिवारों समुदायों देशों और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था शायद थोड़ी पीछे लुढ़क जाएगी चलेगा मैं कह रहा हूं कि इससे चोट पहुंचेगी इससे हम सबको चोट पहुंचेगी एक संस्था के रूप में हमें इससे चोट पहुंचेगी लेकिन चलेगा शायद हम वैसे रहें जैसे हम पांच साल पहले या दस साल पहले रहते थे उस समय कुछ गलत नहीं था सब कुछ ठीक था हम उस तरह से रह लेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम जिंदा हैं और हमारे पास छुट्टियां हैं चलिए इसका अच्छा उपयोग करें लेकिन लोग शिकायत कर रहे हैं लोग कह रहे हैं सिर्फ तीन दिन और कई लोगों को लग रहा है कि घर उन्हें दबा कर रख रहा है अभी तक वे शिकायत कर रहे थे मेरे पति कहाँ हैं मैं उन्हें हफ्ते में केवल एक बार देख पाती हूं मेरी पत्नी कहाँ है वो काम पर जाती है मैं उन्हें देख नहीं पाता मुझे तुम्हारी याद आ रही है तुम्हें मेरी याद आ रही है अब हमें ऑफिस की याद आ रही है तो इंसानी रिश्ते ऐसे ही हैं जब आप साथ होते हैं तो ये एक समस्या है जब आप दूर जाते हैं तो ये एक समस्या है जब वे दूर होते हैं तो केवल एक ही समस्या होती है कि आपको उनकी याद आती है जब आप एक साथ होते हैं तो कई सारी समस्याएं होती हैं ऐसा हुआ एक समय शंकरन पल्लई एक वीकेंड गोल्फ खिलाड़ी थे यानी वो हर वीकेंड पर गोल्फ खेलते थे तो एक शनिवार की सुबह वो अपने जूते पहन रहे थे उनकी पत्नी वहां आई और वो थोड़ी भावुक थीं। उन्होंने कहा आप हर वीकेंड पर गोल्फ खेलने के लिए चले जाते हैं आप मुझसे प्यार नहीं करते मुझसे ज्यादा आप इस गोल्फ के खेल से प्यार करते हैं शंकरन पिल्लई ने लेस को कसा और फिर कहा देखो लक्ष्मी ये सच है कि मुझे तुमसे ज्यादा प्यार गोल्फ के खेल से है लेकिन मैं तुम्हें यह भी बता दूं कि मैं तुम्हें क्रिकेट टेनिस और फुटबॉल तीनों से ज्यादा प्यार करता हूं तो समय आ गया है इस पर ध्यान देने का समय आ गया है कि हम कौन हैं हम किस चीज से बने हैं हमारी सीमाएं क्या हैं ये इसे ठीक करने का समय है तो ये इसके लिए एक अच्छा समय है हम खुद को मूर्ख न बनाएं अरे आपने जो अजीबो गरीब विचार रोमांटिक उपन्यास फिल्मों वगैरह से उठाए हैं अब समय आ गया है कि हम इस पर ध्यान दें कि हम कौन हैं हमारे पास समस्याएं हैं अगर हमारे पास समस्याएं हैं तो हमें उनका सामना करना होगा हमें लगता है कि कोई और व्यक्ति समस्या है नहीं नहीं इंसानों के रूप में हमारे पास समस्याएं हैं उनका सामना करने का समय आ गया है ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है अगर आप इसे हर दिन दौड़ते भागते सारा काम करते हुए कर पाए होते तो ये शानदार होता लेकिन अगर आप वो नहीं कर पाए तो यह एक ऐसा समय है जब आप अकेले बैठे हैं आपको जो भी समस्याएं हो रही हैं जाहिर है कि वो आपकी ही हैं बॉस आसपास नहीं है आप उन्हें दोष नहीं दे सकते ट्रैफिक अब खराब नहीं है आप वहां हैं ही नहीं आप अपने पागलपन का दोष ट्रैफिक पर नहीं डाल सकते आपको समय पर ऑफिस नहीं पहुंचना है तो आप उस पर भी दोष नहीं डाल सकते आप घर पर बैठे हैं और पागल हो रहे हैं जाहिर है कि ये आप ही हैं यही समय है इसे ठीक करने का मानवीय रिश्ते ऐसे इसलिए बन जाते हैं क्योंकि ज्यादातर लोग सोचते हैं कि दूसरे व्यक्ति को मेरी खुशी का स्रोत होना चाहिए नहीं यह देखना आपका काम है कि आप खुशी का स्रोत हैं दूसरे व्यक्ति के लिए खुशी का स्रोत हर कोई हमेशा उस अद्भुत व्यक्ति से मिलना चाहता है जिसका अस्तित्व ही नहीं है दरअसल मेरे पास जीवन का काफी अनुभव है मैं आपको बता रहा हूं ऐसे व्यक्ति का अस्तित्व नहीं है क्योंकि अगर आजकल हर कोई कम से कम भारत में लोगों के विचार में सबसे सुंदर और अद्भुत इंसान हैं कृष्ण वे नाचते हैं गाते हैं प्यार करते हैं और वो शानदार हैं ठीक है लेकिन उनकी पत्नियां अपने समय में लगातार शिकायतें करती रहती थीं। तो यहां तक कि उनकी पत्नी अभी शिकायत कर रही थीं, क्योंकि आपको हमेशा लगता है कि किसी और को अद्भुत होना चाहिए समय आ गया है यह तीन हफ्तों का समय पर्याप्त समय है कि आप वो अद्भुत व्यक्ति बन जाएं जिससे आप मिलना चाहते हैं आप वो शानदार व्यक्ति बन जाएं जिसके जैसा बनने की आप सभी से उम्मीद कर रहे हैं यह आपका मौका है अगर आप वो शानदार व्यक्ति बन जाते हैं तो बाकी लोग भी इसका आनंद ले सकते हैं लेकिन सबसे बढ़कर आप इसका आनंद लेते हैं यह सबसे अहम बात है अगर आप यहां बैठते हैं अगर आप एक शानदार इंसान हैं तो आप इसका मजा लेते हैं हाँ दूसरे भी इसका मजा ले सकते हैं ये शानदार है लेकिन अगर वो आसपास नहीं है तो आप खुद एक शानदार इंसान के साथ होने का मजा लेते हैं आप हमेशा एक शानदार इंसान की कंपनी में हैं। इतना तो हर किसी को करना ही चाहिए और अब इस वायरस ने आपको घर पर तीन हफ्तों की संभावना दी है इसे करने का ये अच्छा समय है आप में से कुछ लोग आश्रम में हैं बाकी घर पर हैं इसे करने का ये अच्छा समय है बहुत अच्छा समय चलिए इसका उपयोग करें हम्म, सवाल सदगुरु पहला सवाल श्री एस उपाध्याय ने पूछा है नमस्कार सदगुरु ध्यानलिंग के बारे में बात करते समय आपने कहा था कि आप इस तक कहीं से भी पहुंच बना सकते हैं पिछले कुछ महीनों से मुझे 24 घंटे आपकी लाइव प्रेजेंस अनुभव करने की तीव्र इच्छा है मैं चाहे दुनिया में कहीं भी रहूं क्या आप इसे संभव बनाने के लिए मुझे कोई साधना दे सकते हैं लाइव की आपकी समझ क्या है आप चाहते हैं कि मैं हर समय इंटरनेट पर रहूं क्योंकि आजकल लाइव का मतलब ये नहीं है कि मैं जिंदा हूं लाइव का मतलब है कि मैं ऑनलाइन हूं तो चलिए इसे समझते हैं आप अभी जो हैं उसके बारे में आपकी सोच ये है कि ये मैं हूं हमने आपके साथ इसके बारे में काफी बातें की हैं आपके साथ काफी प्रक्रियाएं की हैं कि जिसे आप अपना शरीर मानते हैं उसे इकट्ठा किया गया है तो ये आपका है ये आप नहीं हो सकता दूसरी चीज यह है कि वो सारा वो सारा झमेला जो आपके सर में चल रहा है आप सोचते हैं कि वो मैं हूं मन में भरी हुई चीजें लेकिन उसे भी इकट्ठा किया गया है वो भी आपका है क्योंकि कोई और इसे नहीं लेना चाहता तो ये आपका है लेकिन ये आप नहीं है तो आप जिसे मानते हैं या जिसे आप मैं के रूप में नहीं जानते लेकिन आप जानते हैं कि आपका अस्तित्व है लेकिन आप ये नहीं जानते कि आपके अस्तित्व की प्रकृति क्या है तो आध्यात्मिक प्रक्रिया का पूरा उद्देश्य और जो उपकरण स्थापित किए गए हैं वो लोगों के जीवन में इस अनुभव को लाने के लिए हैं सभी साधन चाहे वो ध्यानलिंग हो या योगेश्वर हो, या मैं खुद ये एक उपकरण है ये कोई व्यक्ति नहीं है उपकरण यह है कि उनके आसपास भौतिक से परे कुछ हो रहा है हमेशा भौतिकता भौतिकता का आधार है एक तय सीमा रेखा तय सीमा रेखा के बिना भौतिक प्रकृति नहीं हो सकती तो जब भौतिकता से परे कुछ हो रहा हो तो सीमा जैसी कोई चीज नहीं होती यहां और वहां जैसी कोई चीज नहीं होती भौतिक केवल या यहां हो सकता है या वहां वह जो भौतिक नहीं है वो न तो यहां है और न ही वहां या वो यहां भी है और वहां भी सुनने में ये आपको थोड़ा पहुंच से बाहर लग सकता है लेकिन आमतौर पर ज्यादातर इंसानों के लिए मैं कहूंगा कि 90 प्रतिशत से अधिक इंसानों के लिए वे किसी चीज पर पूरा ध्यान सिर्फ तभी दे सकते हैं जब वे भावनात्मक रूप से उससे जुड़े हों बहुत कम लोगों के पास ऐसा मन होता है जो उन्हें बिना किसी भावनात्मक जुड़ाव के पूरी भागीदारी दे सके इसमें बहुत काम लगता है एक ऐसा मन पाने के लिए कि आप किसी चीज पर पूरी तरह से केंद्रित रह सकें उससे भावनात्मक रूप से जुड़े बिना लेकिन मैं कहूंगा कि 90 प्रतिशत लोगों के लिए पूरी तरह से केंद्रित रहने के लिए उन्हें भावनात्मक सहारे की जरूरत होती है यही कारण है कि केवल वे लोग जो आपको लगता है कि आपके प्यार के दायरे में हैं आप सिर्फ उन पर ध्यान देते हैं जो नहीं हैं आप उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं आप उन पर ध्यान नहीं दे सकते तो इसी वजह से आध्यात्मिक प्रक्रिया हमेशा मिली होती है ध्यान केंद्रित करने का एक बहुत आसान तरीका हम भक्ति भावना इन सब की बात करते हैं क्या वाकई इसकी जरूरत है नहीं अगर आप बस यूं ही पूरी तरह से हो सकें तो आपको किसी भावना किसी भक्ति की जरूरत नहीं है बस यहां बैठे हुए एक सूखी छड़ी की तरह आप फिर भी इस ब्रह्मांड की ऊर्जाओं के साथ स्पंदित हो सकते हैं लेकिन वो लोगों की एक बहुत छोटी संख्या है बाकी लोगों को किसी तरह का उनके दिल में किसी चीज को उन्हें खींचना होगा वरना वे उस दिशा में नहीं देखेंगे वे कुछ सेकंड के लिए देखेंगे और फिर वो यहां वहां हर कहीं देखेंगे जहां वो भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं सिर्फ उसी दिशा में वो लगातार अपना ध्यान बरकरार रख पाते हैं जो भी चीज भावनात्मक रूप से आपके लिए मायने रखती है आपका मन वहीं केंद्रित हो जाता है तो उस रूप में ये एक बहुत अच्छा साधन है तो उसी वजह से हम प्रणाली में भावना को लेकर आए जब हम भावना को लेकर आए नो <laughs> इमोशन भावना को तो आप जानते हैं वो वैसी होती है चूंकि ये वैसी है उसे सही दिशा में ले जाना एक बहुत बड़ी चुनौती है और यह बेमतलब जटिल लगती है क्योंकि हर व्यक्ति अपने ही तरीके से इसके अर्थ निकालने लगता है क्योंकि हर इंसान की भावना अपने ही तरीके से अनोखी होती है तो उन सारी चीजों में मत उलझिए इस बारे में चिंता मत कीजिए कि कोई और क्या कर रहा है किसी और के साथ ये कैसे होता है इसी वजह से ईशा में हमने हमेशा लोगों को अपने आध्यात्मिक अनुभव साझा करने से रोका है क्योंकि दूसरे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे अगर आप कहते हैं कि मैं लेटा हुआ था मैं बस लेटा हुआ था दुनिया के किसी दूसरे हिस्से में आप चाहे जहां कहीं भी हूं मिस्टर क्या आचार्य उपाध्याय अरे सदगुरु आए और मेरे लिए इतनी सारी मुसीबत क्योंकि अब हर तरह के लोग कहने लगेंगे कि सदगुरु ने आकर यह किया सदगुरु ने आकर वो किया आमतौर पर ये अच्छी चीजों से शुरू होता है फिर कुछ समय के बाद वो सारी बकवास जो वो करते हैं सदगुरु अभी ऐसा भगवान के साथ हो रहा है सौभाग्य से वो यहां नहीं है आप उन्हें किसी भी चीज का दोष दे सकते हैं लेकिन आप उन तक पहुंच नहीं सकते तो कम से कम आप उन्हें सजा नहीं दे सकते तो यह ठीक है हर चीज के लिए हर वो बकवास जो होती है मैं सोचता हूं कि यह भगवान की मर्जी है इसीलिए मैं यह सारी बेवकूफी भरी चीजें कर रहा हूं अब जब यह चीज मेरे जैसे किसी जीवित इंसान पर केंद्रित हो जाती है तो बहुत ज्यादा मुसीबत तो आप जहां कहीं भी हैं क्या हम वहां मौजूदगी उपलब्ध करा सकते हैं बेशक वरना क्या मतलब है फिर तो यह बस आध्यात्म की बातें करना बंद कर रह जाएगा आध्यात्म की बातें सबसे अच्छे स्तर पर प्रेरणा हो सकती हैं और सबसे बुरे स्तर पर मनोरंजन हो सकती हैं ये बस यही हो सकती हैं इसके बारे में बातें करना बातें करना बातें करना शुरुआत में प्रेरणा की जरूरत होती है लेकिन अगर आपको जीवन भर प्रेरणा की जरूरत पड़ रही है तो आपका कुछ नहीं किया जा सकता प्रेरणा यह इग्निशन की तरह है इंजन स्टार्ट हो जाता है इंजन स्टार्ट होने के बाद अगर आप इग्निशन दबाते हैं तो बुरी आवाजें आती हैं लोगों के साथ भी यही होगा एक बार उन्हें पर्याप्त प्रेरणा मिल गई फिर उन्हें प्रेरणा देते रहने की कोई जरूरत नहीं है वे कट्टर बन जाएंगे अगर आप लगातार लोगों को प्रेरणा देते रहते हैं तो वे सन की बन जाएंगे जो दुनिया में सबसे ज्यादा बेतुकी और भयंकर चीज़ें करेंगे बहुत ज्यादा प्रेरणा प्रेरणा इग्निशन की तरह है किसी व्यक्ति को स्टार्ट करने के लिए थोड़ा सा धक्का इसके बाद इसका कोई काम नहीं है उसके बाद उनके पास ऐसी प्रक्रियाएं और तरीके होने चाहिए जिससे वे संपर्क स्थापित कर सकें सबसे बढ़कर कैसे भी किसी न किसी तरीके से भागीदारी होनी चाहिए तो हम एक प्राण प्रतिष्ठित आकार के बारे में बात कर रहे हैं जैसे ध्यान लिंग या मैं या आप जब हमने आपको दीक्षा दी मैंने इसके बारे में बात की है लेकिन ज्यादातर हमने इसके बारे में बात करने से परहेज किया है हम अभी भी शाम्भवी को दीक्षा कह रहे हैं ये वास्तव में दीक्षा नहीं है क्योंकि कुछ भी दिया नहीं जाता है ये एक तरह की प्राण प्रतिष्ठा है आपको बस रोज अपना अभ्यास करना है ये शक्ति चलन क्रिया या शून्य ध्यान की तरह नहीं है जिसमें एक विशेष प्रक्रिया हो यहां आप बस इतना कर रहे हैं जैसे आप ये मंदिर में झाड़ू लगाने जैसा है लोग हर दिन ध्यानलिंग मंदिर में झाड़ू लगा रहे हैं वे ध्यानलिंग को रिचार्ज या कुछ और नहीं कर रहे कोई अनुष्ठान नहीं कोई प्रक्रियाएं नहीं बस मंदिर में झाड़ू लगाना उसे साफ रखना आप शाम्भवी के साथ भी बस इतना ही कर रहे हैं आप खुद को बढ़ावा देने के लिए कुछ भी नहीं कर रहे बस इसे साफ रखना क्योंकि ये प्राण प्रतिष्ठित है अगर आप इसे साफ नहीं रखते मान लीजिए कि आप अपने खिड़की के शीशों को साफ नहीं करते अचानक ऐसा लगता है कि सूरज भी ठीक से चमक नहीं रहा है यहां तक कि सूरज भी ठीक से नहीं चमक रहा क्योंकि आपकी खिड़की के शीशे साफ नहीं हैं या आपको मोतियाबिंद है अचानक सूरज भी चमकीला नहीं लगता यह आसानी से हो सकता है तो आपको बस इतना करना है कि इसे साफ रखें सदगुरु मैं महीने में एक बार अपनी साधना करता हूं माफ कीजिए दिन में एक बार मैं बस थोड़ा निर्दयी बन रहा हूं बस यूं ही ये छुट्टी का दिन है अगर आप हर दिन अपनी साधना कर रहे हैं तो कुछ हद तक ये साफ है लेकिन शायद बाकी दिन के दौरान आप इसके प्रति पूरी तरह से बेखबर हैं तो आप एक सरल सी चीज ये कर सकते हैं कि किसी चीज का उपयोग कीजिए कोई भी चीज शायद एक फोटो शायद एक मंत्र शायद बस कोई आवाज शायद बस एक आपके फोन में एक रिमाइंडर कोई भी चीज कि मानसिक और भावनात्मक रूप से आप उस पहलू के साथ जुड़ सकें दिन में जितनी बार हो सके उतनी बार अगर आप अपनी आंखें बंद करते हैं तो सिर्फ वही दिखता है फिलहाल अभी वो सारे फिल्म स्टार्स वगैरह दिख रहे हैं तो इसलिए आप इसे महसूस नहीं कर पा रहे ऐसा नहीं है कि ये मौजूद नहीं है जब आप अपनी साधना करते हैं आप इसे महसूस करते हैं दिन के दौरान आप इसे महसूस नहीं करते क्योंकि आप दूसरी चीजों को नाचने देते हैं आइटम नंबर्स हो रहे हैं तो आप कुछ भी कीजिए जिसका चाहे उसका उपयोग कीजिए शायद फोन में एक रिमाइंडर शायद एक फोटो जिसे आप देख सकें या फोन का स्क्रीन आप स्क्रीन सेवर के रूप में कोई चीज डाल दें या कोई मंत्र आप खुद मंत्र का जाप कीजिए या बस उसे सुनिए कुछ भी कीजिए हम बस इतना करने की कोशिश कर रहे हैं कि मानसिक और भावनात्मक रूप से आप एक ही दिशा में केंद्रित हैं अगर आप इतना करते हैं तो मौजूदगी बहुत मजबूत होगी अभी भी ये मौजूद है लेकिन मोतियाबिंद के साथ आप कैसे देख सकते हैं आप बस मोतियाबिंद को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं जीवन के किसी भी ऐसे आयाम को अनुभव करना बिल्कुल संभव है जो भौतिक प्रकृति के द्वारा सीमित नहीं है उसे महसूस करने और अनुभव करने और जानने में आपको कोई दिक्कत नहीं है दूरी कोई समस्या नहीं है अभौतिक आयाम के लिए दूरी जैसा कुछ नहीं होता दूरी भौतिकता की एक अभिव्यक्ति है अगर एक इंच मौजूद है तो एक मील भी है अगर एक मील है तो दस हजार मील भी हैं। यह ऐसा ही है एक इंच से एक प्रकाश वर्ष तक दूरी मौजूद है सिर्फ भौतिक चीजों के कारण अगर भौतिकता न हो तो दूरी के कोई मायने नहीं हैं। यह कोई भौतिक आयाम नहीं है तो इसे महसूस करना इसे जानना इसे अनुभव करना एक चुनौती नहीं होगा अगर उस दिशा में थोड़ा ध्यान केंद्रित हो तो अपने खुद के साधन बनाएं कि कैसे खुद को याद दिलाएं हर कुछ मिनटों में या घंटे में एक बार या आपको जैसा पसंद हो ये हो जाएगा सदगुरु अगला सवाल सोनिया ने पूछा है नमस्कार गुरु जी मैं बर्लिन से हूं बाहरी आवाजों के कम होने के साथ भीतर का शोर बहुत ज्यादा शोर मचाने लगा है क्या आप भीतरी कंपन और भीतरी आवास के बारे में कुछ बता सकते हैं वो बर्लिन से आमतौर पर लोग मुझे गुरुजी नहीं कहते क्योंकि गुरुजी एक आदर सूचक शब्द है ऐसी चीजों से मुझे बहुत शर्मिंदगी होती है सदगुरु एक वर्णन है जैसे कि ऑर्थोपेडिक या ऑपथेलमोलॉजिस्ट या गायनिक या न्यूरोलॉजिस्ट कहना ठीक वैसे ही सदगुरु सिर्फ एक वर्णन है मुझे वर्णन से कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि इसका मतलब है एक अशिक्षित गुरु कोई भी धर्म ग्रंथों को लेकर मुझसे बहस करने नहीं आता क्योंकि उन्हें पता है कि वैसे भी मुझे वो सब नहीं आता बस ये पक्का करने के लिए कि हम उन चीजों पर बहस करने की कोशिश में समय नहीं बिताते जिनके बारे में हमें कुछ नहीं पता और जिनके बारे में हमने कभी कोई चिंता नहीं की लेकिन गुरु जी एक आदर सूचक शब्द है ऐसा मेरे साथ मत कीजिए मैंने एक खास तरीके से जीवन जिया है कहने का मतलब <laughs> मैंने इस तरह से जीवन जिया है कि मेरे आसपास के लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हैं या आखिर हैं कौन ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर वो कोई निष्कर्ष निकाल लेते हैं तो उनके साथ काम करना बहुत मुश्किल होगा कंफ्यूज होना यानी कम से कम आपको एहसास है कि आप नहीं जानते जो अच्छा है अगर किसी को पता चल जाता है एक बहुत गहरे अनुभव से तो उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है वो एक अलग अवस्था है लेकिन किसी के बारे में अच्छे निष्कर्ष निकालना जरूरी नहीं है किसी के बारे में बुरे निष्कर्ष निकालना जरूरी नहीं है तो सभी आदर सूचक शब्द यहीं से आते हैं कि लोग किसी व्यक्ति के बारे में अच्छे निष्कर्ष निकालते हैं मैं कौन हूं इसका मूल्य सिर्फ तब है जब आप मुझे बस यूं ही देखें बिना किसी निष्कर्ष के आप देखेंगे कि आप पूरी तरह से कन्फ्यूज हो जाएंगे आपने मुझ पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया है क्योंकि ज्यादातर समय आप मुझे यहां सत्संग में या इस तरह की परिस्थितियों में बैठे हुए देख रहे हैं तो आपने मुझे अलग अलग हालातों में नहीं देखा है अगर आप मुझे अलग अलग हालातों में देखते हैं तो आप पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाएंगे ये बहुत अच्छी चीज है इसका मतलब है कि आप कोई निष्कर्ष नहीं निकाल पा रहे हैं क्योंकि निष्कर्ष मौत है निष्कर्ष यानी अब कोई संभावना नहीं बची अगर आप मेरे बारे में कोई निष्कर्ष निकालते हैं तो अनजाने में एक साधक के रूप में आप अपने बारे में एक निष्कर्ष निकाल लेंगे यानी कि तलाश खत्म हो गई है जैसे ही आप निष्कर्ष निकाल लेते हैं तो तलाश कहां है आपका खुद को एक साधक कहना बिल्कुल अर्थहीन है जहां तक आंतरिकता की बात है भीतर भीतरी आयाम शोर भरा नहीं बन गया है यह कभी भी शोर भरा नहीं रहा उस इलाके में शोर जैसी कोई चीज नहीं है बात बस इतनी है कि चूंकि आप व्यस्त नहीं हैं इसलिए आप मन में उलझ रहे हैं ज्यादातर लोग आमतौर पर सोचते हैं कि वे व्यस्त हैं लेकिन अगर आप उनके जीवन को देखें तो साठ प्रतिशत समय वे बस किसी चीज में उलझे रहते हैं ये कुछ ऐसा है मानो जुगाली करना कल क्या हुआ था आप अभी भी उसे चबा रहे हैं यह सुविधा आपके शरीर में नहीं है गाय बकरी भेड़ उन सभी के पास ये सुविधा है कि वे आज खा सकते हैं और कुछ घंटों के बाद इसे वापस मुंह में लाकर जुगाली कर सकते हैं आपको इस तरह की सुविधा आपके शरीर में नहीं दी गई थी तो आपने अपने मन में एक बना ली है यह एक विकास से जुड़ी समस्या है आप चार पैरों वाली अवस्था से बाहर आने को तैयार नहीं हैं और आप कल की बातों की आज जुगाली करना चाहते हैं दक्षिण भारत के रहस्यवाद में और योग में हम लोगों को देखते हैं और अगर या वे आनंद ले रहे हैं या दुख पा रहे हैं सिर्फ उन चीजों का जो अतीत में हुई हैं अतीत में हुई चीजों के कारण वे किसी चीज का आनंद ले रहे हैं लेकिन अभी कुछ बिल्कुल अलग कर रहे हैं यह समझे बिना कि वे बस पुराने फायदों का आनंद ले रहे हैं और यह कभी भी खत्म हो सकता है तो हम कहते हैं अय्यो पड़य सादम पड़य सादम यानी पुराना चावल इसका मतलब है ये पुराना भोजन है पुराने भोजन का आनंद लेना जिसे हमने कल खाया था ऊर्जा और ताकत के मामले में अभी भी यह हमारे शरीर में काम कर रहा है इसी तरह हमने कल या दस साल पहले या पिछले जन्म में क्या किया था शायद अभी भी हमें उसका फायदा हो रहा हो लेकिन अगर आप इसे बढ़ाने के लिए अभी कुछ नहीं कर रहे हैं तो यह खत्म हो जाएगा पुराना खाना कुछ समय बाद सड़ जाएगा जो बहुत शानदार था वो कुछ समय बाद बहुत गंदा बन जाएगा दुनिया में बहुत से तथाकथित सफल लोग अपने जीवन के अलग अलग चरणों में से होकर गुजरते हैं कि वे अतीत के परिणामों और कर्मों का आनंद ले रहे होंगे और उन्हें लगता है कि सब कुछ शानदार है वे लापरवाही से जीते हैं एक दिन अचानक उन्हें यह झटका देता है जरूरी नहीं है कि बाहर से ज्यादातर ये भीतर से होता है उनका अपना ही मानसिक ढांचा उनका अपना ही शरीर इस तरह पलटी खाता है कि वे यकीन ही नहीं कर सकते कि उनके साथ ऐसा हुआ ऐसा इसलिए है क्योंकि आप पुराने भोजन पर जी रहे हैं ये महत्वपूर्ण है कि आप हर दिन ताजा भोजन पकाएं ये बहुत महत्वपूर्ण है इसी वजह से अभी का कर्म बहुत महत्वपूर्ण है मैं चाहता हूं कि आप समझें कि आपकी आंतरिकता में कोई शोर नहीं है आपकी आंतरिकता में कोई कंपन्न नहीं है आपकी आंतरिकता में कोई आवाज नहीं है ये सब आपके, आपके सिर में है ऐसा इसलिए है क्योंकि आप पुरानी चीजों की जुगाली कर रहे हैं अब अगर आप किसी काम में व्यस्त हैं तो आज आप अपने सिर में हो रही कुछ चीजों को भूल जाएंगे लेकिन जैसे ही आपके हाथ में कोई काम नहीं होता फिर आप देखेंगे कि ये चलता रहेगा तो मुझे क्या करना चाहिए हमने आपको कई तरीके सिखाए हैं आप इसे रोकने की कोशिश मत कीजिए क्योंकि आप इसे नहीं रोक सकते एकमात्र तरीका यह है कि आप इससे खुद को दूर कर सकते हैं तो खुद को दूर करने के कई तरीके हैं अगर आप शांवी या शून्य कर रहे हैं तो निश्चित रूप से एक शक्तिशाली प्रक्रिया मौजूद है वरना आप ईशा क्रिया कर सकते हैं अगर आप इनमें से किसी भी चीज को नहीं जानते हैं अभी तो एक आसान सी चीज ये है आपको बस खुद पर गौर करना है और देखना है आप इस विशाल अस्तित्व में एक छोटे से प्राणी हैं। हम नहीं जानते कि ये कहां से शुरू होता है कहा खत्म होता है इस छोटे से मिट्टी के बॉल जैसे ग्रह पर आप यहां बैठकर सोचते हैं कि आप ही ब्रह्मांड का केंद्र हैं। यह एक बेवकूफी भरा विचार है सब कुछ इसी वजह से है क्योंकि आपको लगता है कि आप ब्रह्मांड का केंद्र हैं। यह बहुत बेवकूफी भरा विचार है इस बेवकूफी भरे विचार से कई और बेवकूफी भरे विचार आए हैं जो जिसे सामाजिक रूप से बुद्धिमानी माना जाता है तो आप बस अपने विचारों को इस विशाल ब्रह्मांड के संदर्भ में देखें अब ये वायरस आपके जीवन को चुनौती दे रहा है अपनी नश्वरता के संदर्भ में आप जिन चीजों के बारे में सोचते हैं जो चीजें आपको महत्वपूर्ण लगती है उनमें से हर एक मूर्खतापूर्ण है अगर आप देखते हैं कि आपका मन आपके विचार आपकी भावना पूरी तरह से बेवकूफी भरे हैं तो स्वाभाविक रूप से आप दूरी बना लेंगे समस्या ये है कि आपको लगता है कि ये स्मार्ट है जब ये आपको परेशान करता है तो आप इसे थोड़ा दूर करना चाहते हैं नहीं जो भी चीज आपको स्मार्ट लगती है वो एक तमगे की तरह आपके कंधों पर बैठी रहेगी वो नहीं जाएगी वो आपको नहीं छोड़ेगी जैसे ही आप सोचते हैं कि आप स्मार्ट हैं आपके विचार आपको नहीं छोड़ सकते आप अपनी आंखें बंद करके नहीं बैठ सकते अगर आप एक बहुत स्मार्ट आदमी हैं तो जब आप जानते हैं कि आप एक निर मूर्ख हैं आप अपनी आंखें बंद करके बैठ सकते हैं जीवन के संदर्भ में अस्तित्व के संदर्भ में आप वास्तव में कुछ भी नहीं है ठीक है सामाजिक रूप से आप कुछ हो सकते हैं मूर्खों के बीच मूर्ख लोग चमकेंगे इसका जीवन के रूप में कोई मतलब नहीं है एक जीवन के रूप में कल ये एक छोटा सा बेवकूफ वायरस आपकी जान ले सकता है हां मैं कह रहा हूं आप या मैं ये बस हमें मार सकता है तो हम जो भी बड़ी स्मार्ट चीजें सोच रहे हैं उनके जरा भी मायने नहीं है अगर आप ये समझ लेते हैं तो स्वाभाविक रूप से आपके और आपकी विचार प्रक्रिया के बीच एक दूरी होगी जब आपके और आपकी विचार प्रक्रिया के बीच एक दूरी आ जाती है तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप किस बारे में सोच रहे हैं योग योग राय कालकालकालराय शिव शिव सर्वेश्वराय शम्भ शम्भ